तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम करने की कोशिश करोगे तो इस वाले प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि अगर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, काइनेटिक नहीं पाए सर्कुलर मोशन आर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एच टी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और ये काइनेटिक जो है के कोई कांस्टेंट है और डिस्टेंस कवर्ड एस स्क्वायर पे डिपेंड करता है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस। तो अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तुम देखोगे तो ऑब्वियसली अगर ये रेडियस आर है, ठीक ना, रेडियस आर है तो पार्टिकल यहाँ है, हो सकता है इस पे वेरिएबल फोर्स लग रहा हो, तो एक टेंजेंशियल फोर्स अगर एफ टी लग रहा है तो एक इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी लगेगा। तो अगर तुम देखोगे जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है, हाउ मच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो यहाँ से कुछ इस डिस्टेंस पे जाएगा, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। तो दिस इज द नेट फोर्स, और वो जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स किसका किसका रिजल्टेंट होगा, मतलब एफ टी टेंजेंशियल फोर्स प्लस एफ सी सेंटीपिटल फोर्स का स्क्वायर अंडर रूट। अब टेंजेंशियल फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन टेंजेंशियल एम टी स्क्वायर फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और ये होता है एम बी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अब कुल मिला के हमारा टारगेट यही है कि इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों फोर्स को निकाल के मैं रख दूँ, ठीक है ना, इन सब की वैल्यू निकाल के रख दूँ। तो सबसे पहले मैं सेंटीपिटल फोर्स निकालता हूँ, काइनेटिक एनर्जी से सेंटीपिटल फोर्स बड़े आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाफ एम बी स्क्वायर है, और दैट इज इक्वल टू के एस स्क्वायर है। तो यहाँ से एम बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी टू टाइम्स के एक्स स्क्वायर, और सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एम बी स्क्वायर ओवर आर सर, ठीक है, एम बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से टू के एक्स स्क्वायर ओवर आर। तो एक तो यहाँ से मेरा पहले से ही निकल गया, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लिया सेंटी एम बी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू, बाद में इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। चलो दूसरा निकालते हैं, लेकिन दूसरा निकालने के लिए हमें एक्सलेशन चाहिए। एक्सलेशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक वेलोसिटी नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालता हूँ। तो यहाँ से तुम देख रहे हो जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है वो के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो टू टाइम्स के एक्स स्क्वायर अपन मास आ जाएगी। तो और ज़्यादा इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू यहाँ से दिखेगी बच्चों, वेलोसिटी भी वो दिखेगी टू के एक्स का स्क्वायर अंडर रूट मास, ये वाली चीज़। तो ये वाली यहाँ से तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट बाहर आ जाएगा, और टू के एम अंडर रूट एक कॉन्स्टेंट फैक्टर रह गया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाहर आ गया और टू। अब हमें चाहिए एक्सलेशन, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, और अगर हमें एक्सलेशन चाहिए तो एक्सलेशन के लिए ही तो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ यार। तो यहाँ से जो वेलोसिटी अब मुझे पता चल गया, तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सलेशन ये होती है डी वी ओवर डी टी, इसका एक बार डेरिवेटिव ले लो तो ये टेंजेंशियल एक्सलेशन दे देगा, तो टू के अपान एम का फैक्टर बाहर आ जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट है, और डी एस ओवर डी टी बचेगा। डी एस ओवर डी टी क्या होती है, डी एस ओवर डी टी वेलोसिटी होती है, और टू के एस अपान एम अंडर रूट बच जाएगा। और ये वेलोसिटी मैं पहले ही यहाँ पे निकाल चुका हूँ, और मैं फिर इस वेलोसिटी को मैं इसी में रख देता हूँ इसमें, तो बी की वैल्यू एस टू के ओवर एम अंडर रूट रखा, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहिए एक्सलेशन, और टू के अपन एम अंडर रूट इधर पहले से आ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू के एम अपन एम स्क्वायर रूट से, और डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ द ए टी। यह है टेंजेंशियल एक्सलेशन जो है किसके टर्म में है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो अगर यहाँ से देखोगे टू के एस अपन एम, अब हमें चाहिए फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स जो एफ टी की वैल्यू आ जाएगी मास मल्टीप्लाइड बाई ए टी, मतलब ये आ जाएगा टू के एस एम ओवर यहाँ से एम, तो एम एम यहाँ से कट गया, तो जो एफ टी की वैल्यू आ जाएगी वो टू के एस आ जाएगी। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द टेंजेंशियल फोर्स। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये आया, और उधर सेंटीपिटल फोर्स आया था, इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूँ। तो अगर इनका मैं पहले इक्वेशन क्या था, इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ, टू के एक्स यहाँ से
यहाँ से 2kx² r आया, तो इसकी वैल्यू मैं रखूँ यहाँ से एक मिनट, तो 2kx अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, यहाँ रखोगे f की वैल्यू, f की वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर करके यहाँ रख दो, तो इसकी जो वैल्यू थी 2kx का स्क्वायर अपॉन यहाँ से r का होल स्क्वायर था और प्लस ये 2kx आया, तो 2ks आया इसका स्क्वायर और ये सब कुछ अंडर, तो जो रूट से बाहर आ रहा उसको रूट से बाहर ले लो, 2 ले लो बाहर, k ले लो, s ले लो, तो जो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस यहाँ से s अपन r का, यहाँ से s का अपन r का होल स्क्वायर बच गया और ये अंडर रूट आ गया। तो अब देखो यहाँ से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ये वाली चीज़ है, कौन सा इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा उसको देख लो तुम, तो यहाँ से तुम देखोगे तो अपना डी ऑप्शन मैच कर गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।